हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जा रहे हैं कंकाली मंदिर, जो यहाँ से कितनी दूर है? चार किलोमीटर है। और चलिए, मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, अपना मास्क और सैनिटाइजर के साथ। तो आप लोग आइएगा तो प्लीज पूरी सेफ्टी से आइएगा। तो चलते हैं, चलिए और इंजॉय कीजिए। चलिए, ओके, आ जाइए। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड, चलिए। चढ़ रहा है भैया अभी प्रसाद? अच्छा अच्छा, ये पूरा सिंगार समेत बड़ी चुनी सिंगार माला, ये एक का और छोटा वाला 50, दो ले लो। हाँ ले लो। चलिए, हमने प्रसाद ले लिया है और अब चलते हैं मंदिर की ओर। का खेल खिलौना तो ले लिया है, अब चलते हैं मंदिर की ओर, रुख करते हैं। नजारा देखिए कितना सुंदर नजारा है। ये मास कौन सुंदर है, भूटन हो रही है। बट कोई नहीं, मंदिर के दर्शन करने आए थे तो मिल गए। माता रानी के दर्शन तो आपको मिल ही गए होंगे। कहते हैं यहाँ पर उनकी मुंडी जो है थोड़ी सी टेढ़ी है और दशहरे के दिन सीधी होती है और किसी एक इंसान को दिखती जरूर है। कहानी मुझे बहुत अच्छे से उसको नहीं पता, बट कहते पता भी रहते हैं। तो चलिए शंकर मंदिर की तरफ चलते हैं। राम मंदिर है, पंचमुखी कहते हैं वहाँ पे। तो चलिए वहाँ चलते हैं, आगे मैं दिखाती हूँ। हम आ गए भोलेनाथ के पास। यहाँ देखिए सब खाली पड़ा है, सुनसान और कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो चलिए, हर हर महादेव, बम बम भोले। ये देखिए हमारे भोले बाबा दिख गए हैं और चलिए दर्शन करते हैं। चलिए महादेव देखिए, ये पीपल, ये नंदी महाराज। लो पकड़ो, मैं दर्शन कर लेती हूँ तरफ से। फ्रेंड अब यहाँ रहे पंचमुखी मंदिर। जय श्री राम, श्री राम मंदिर है ये, बड़ा खूबसूरत है। फोकस नहीं कर रहा अभी कैमरा। चल, जय श्री राम। चलिए फ्रेंड, अब अपनी धन्नों के रूप गाड़ी में बैठते हैं, अब चलते हैं। हाँ।
तो माता रानी के दर्शन हो गए और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ के कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और बस मैं यही कहूँगी कि अगर लोग आप लोग आना चाहते हो तो प्लीज़ आइएगा ज़रूर, पर अपनी अपनी सेफ्टी के साथ आइएगा क्योंकि अभी बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं और मैं नहीं चाहती हूँ, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें कुछ भी हो। तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी से आइएगा। और हाँ, आपको दर्शन बहुत अच्छे मिलेंगे। और कहते हैं ना, कंकाली मंदिर माता के दरबार में आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ का मतलब नज़ारा भी बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। तो मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और कहते और यहाँ की अलग अलग कथाएँ हैं, अलग अलग मान्यताएँ हैं, कुछ लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है। बट हाँ, यहाँ कहते हैं कि माता रानी की मुंडी थोड़ी टेढ़ी है, जो कि मतलब नवरात्र के 10वें दिन उनकी मुंडी सीधी होती है। चलिए, अब हम लोग निकल चुके हैं, माता रानी के दर्शन हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं भोजपुर। तो चलिए, सफ़र का मज़ा लीजिए और आप लोग ज़रूर आइएगा। ये बहुत अच्छा मंदिर है और थोड़ा बन रहा है तो उसको माइंड मत कीजिएगा, बट आइएगा ज़रूर। और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हम लोगों के और बहुत अच्छा लगा। बस आप लोग जब भी आइएगा तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी से आइएगा, और क्योंकि अभी बीमारियां इतनी चल रही हैं तो अभी मंदिर में इतनी भीड़ भाड़ तो नहीं थी, बट ठीक है, लोग कम थे, दर्शन अच्छे से हो गया। हम लोग अपना मास्क, सैनिटाइजर सब लिए।